हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल दिलवर 679। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं ग्रीनवुड 38। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड रहता है उसका घर पे, और आज है कि हम लोग उसी के घर पे कुछ पकावन बनाएंगे और यहीं पर हम लोग सब मिलजुल के खाएंगे। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा कि हम लोग का यहाँ पर जो कुछ भी जुगाड़ हुआ है तो उसी जुगाड़ आप लोगों को थोड़ा शेयर करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया हम लोग का। थोड़ा सा अंदर में अंधेरा है तो आपको शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आज हम लोग का यहाँ पर चिकन, ये हो गया चिकन आप देख रहे हैं, और यहाँ पर टमाटर। तो कुछ खास नहीं, हम लोग यहाँ पर सादा राइस बनाएंगे और चिकन करी। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, हम लोग पकावन रेडी करते हैं। दोस्तों, अब देख रहे हैं ये चिकन है, हम लोग ने ये बढ़िया से इसको चिकन का जो शॉप है वहीं पर हम लोग ने इसको कटवाया था। देख रहे हैं ये पीस, इस तरह का पीस होगा तो खाना में भी बड़ा आसान होता है और मज़ेदार भी होता है। तो आप देखते रहिए, और अभी हम लोग इसमें डालेंगे प्याज। ये हम लोग का लोकल करी बना रहे हैं। प्याज को भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, साइज का हम लोग काटा है इसको। और प्याज को डालेंगे, और अभी देख सकते हैं प्याज और चिकन, इसको मिक्स कर लेना है पहले। इस तरह से बढ़िया से इसको मिक्स करना है। और फिर अभी हम लोग इसमें नमक डालेंगे। ये नमक ही है ना? नमक क्या होता है कि कई बार नमक जगह पर चीनी भी आ जाएगा, तो ये क्या होगा, नमकीन के बजाय ये स्वीट मीठा हो जाएगा। तो नमक को भी अपना हिसाब से डालना है, स्वाद अनुसार। क्या है कि एक किलो चिकन में अगर आप फिर ज़्यादा नमक डाल देंगे तो फिर ना ही नहीं खा पाएंगे। तो अभी क्या है कि हम लोग को यहाँ पे ये जो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल है, इसको ऐड करना है। तेल भी अपना हिसाब से दीजिए, मुझे थोड़ा तेल अच्छा ज़्यादा लगता है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रहा हूँ। अब अपना हिसाब से डालिए। अब फिर इसको मिक्स करना है बढ़िया से। अब ये हो गया, तो अभी इसमें हम लोग मसाला ऐड करेंगे, जीरा, धनिया और चिकन मसाला, हल्दी। ये रहा गरम मसाला, इसको हम लोग पूरा नहीं डालेंगे, कम डालेंगे नहीं तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हैं ये चिकन जो है कि हम लोग ने कढ़ाई में देके इसको चूल्हा पे डाला है, और अभी इसको थोड़ा सा पकना है। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने टमाटर डाल दिया इस पर, और अभी टमाटर भी बढ़िया से पकेगा। उसका बाद हम लोग इसमें धनिया जो पत्ता है उसको भी डालेंगे,
अब ये धीरे धीरे तैयार हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी फाइनली क्या है कि हमारा जो चिकन करी है वो बनकर रेडी हो गया है, आप देख पा रहे हैं बढ़िया सा बबल आ रहा है इसमें। तो अभी हम लोग क्या है कि इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, और अभी जो हमारा जो राइस है वाइट राइस है उसको हम लोग बनाएंगे, और ये हम लोग का सलाद भी रेडी हो गया है। सिंपल सा सलाद बनाया हम लोगों ने, टमाटर और इसमें प्याज डाले हैं और जो धनिया पत्ता इसको डाल दिए इस पर, और हमारा चावल भी इधर रेडी है, इसमें अभी पानी डालना है, इसको बढ़िया से धोना है और उसके बाद जाके हम लोग इसको भी चावल को भी बना लेंगे। अब ये चावल को बढ़िया से धुलाई हो रहा है, और बढ़िया से इसको अभी धुलाई चल रहा है चावल, और इसको फिर हम लोग यहाँ से धोकर बढ़िया से इसका जो है कि सफाई करके इसको फिर हम लोग इसको भी राइस बनाएंगे। ये चावल अभी हम लोग इसको बनाएंगे। तो दोस्तों अभी हमारा जो है कि खाना रेडी हो गया है, और पहले हम लोग बच्चों को खिलाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं तो सभी को हम लोग पहले खिलाएंगे। सब खाए के हाँ, बढ़ जाओ बाबू, तुम इधर बढ़ जाओ, इधर बढ़ जाओ, बस्ता में बढ़ जाओ। दे दो इसको खाना, दे दो इसमें खाना, दे दो थोड़ा चावल दो। अच्छा दोस्तों आप लोगों को और एक चीज दिखाऊंगा, आप लोग देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये चाय पत्ती है, इसमें पत्ता है, इसको छोटे छोटे करके इसको काट लिया जाता है पहले, और उसके बाद इसको धूप में सुखाया जाता है, और फिर इससे चाय बनती है। तो यहाँ पर जो बगान में जो लोग भी काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, जो लेबर हैं, वो लोग इसी पत्ती का चाय ज़्यादातर पीते हैं विदाउट शुगर। तो आप देखिए ये जो गांव पे जो बनाया गया चाय पत्ती है, आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी खाना भी हम लोग का बन चुका है, और बच्चे लोग भी खा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग भी खाना खा रहे हैं, देखिए यहाँ पर टेबल पर सब खाना लगा हुआ है, सब लोग बैठ के खा रहे हैं, और खाना भी मेरे हिसाब से तो टेस्टी हुआ होगा। तो खाना कैसा हुआ मैंने? ठीक हुआ है। टेस्टी हुआ कि नहीं तो वीडियो तो चेक कर लेते हैं। बबुल खाना कैसा है? ठीक है। आईफोन बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। खाना कैसा बना है? ठीक है। ठीक है तो खा, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले एक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।